आज महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है राज्य के और लोगों के हित में। कोविड-19 के चलते हुए महाराष्ट्र के अंदर 7 से 8% इलेक्ट्रिसिटी का जो टेरिफ है, रेट दर है, उसे 7 से 8% सिर्फ जून तक के ही नहीं तो बल्कि अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि उसे कम कर दिया जाएगा। जिन लोगों को राशन कार्ड के आधार पे मिलता आया है उन लोगों को मार्च का राशन दे दिया गया है। अप्रैल का राशन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक वितरित किया जाएगा। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के मई महीने का राशन दिया जाएगा। 1 मई से जून महीने का राशन दिया जाएगा। सरकार को हमने विनंती करी है कि इससे पहले जो एपीएल कार्ड होते थे जिसमें 1 लाख तक वार्षिक उत्पन्न परिवार का होता था उनको भी राशन कार्ड द्वारे राशन दिया जाता था। सरकार से हमने विनंती करी है कि उस एपीएल कार्ड धारकों को तात्पूर्ता जब तक के ये महामारी है उनको भी राशन दिया जाए। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और इस पे बहुत ही जल्द एक पॉजिटिव निर्णय सरकार करेगी। स्कूलों के फीस के संदर्भ में है महाराष्ट्र स्टेट एसएससी बोर्ड एचएससी बोर्ड की जो स्कूलें हैं इनके में जो बच्चों की फीस इस वर्ष 19-20 के अंदर जो बच्चों की फीस पेंडिंग है उसके लिए उन्होंने निर्देश निकाला है कि स्कूल उसके लिए प्रेशराइज ना करे और जून के बाद में ही उसके संदर्भ में बच्चों से फीस की मांग करें। साथ ही में 2021 न्यू एकेडमिक ईयर जो जून से शुरू होता है उसमें के लिए भी जो एडमिशन के वक्त प्रायर टू एडमिशन या एडमिशन के वक्त जो फीस भरनी होती है उसके लिए भी शासन ने आदेश निकाला है स्कूलों को कि उन फीस के लिए भी स्कूलें तकाजा ना करें, डिमांड ना करें। जब ये महामारी से चीजें निपटेगी उसके बाद स्कूलें उस चीज को मांग सकती है। साथ ही में कोई बच्चों को नापास करने वाला विषय भी सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रकार से बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, परिवारों को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही में लोगों से जो विषय सामने आते हैं, लोगों की जो शिकायतें सामने आती है, मैं तमाम लोकल डॉक्टर्स जीपीस चाहे वो आंख का डॉक्टर हो ENT हो इनसे गुजारिश करूंगा, इनसे विनंती करूंगा कि वो कृपया करके अपने डिस्पेंसरीज और नर्सिंग होम्स ओपन रखें। लोगों को दुश्वारी पेश आ रही है क्योंकि आपने अपने नर्सिंग होम डिस्पेंसरीज OPDs बंद कर रखी है, इसलिए मेरी आप लोगों से विनंती है कि आप उसे चालू करें। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको फेस होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को विशेषतः मीरा भाईंदर और ठाणे जिले की तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नरों को हम ये कहना चाहते हैं कि आपको इस महामारी के समय मार्च का म्युनिसिपैलिटी का जो भी टैक्सेस हो, चाहे वो हाउस टैक्स हो, शॉप टैक्स हो, एस्टेब्लिशमेंट टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, इन टैक्सेस के बिल्स आपको रेज नहीं करना है क्योंकि अगर आपने बिल रेज कर दिया तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एरियर्स दिखाएगा और एरियर्स के ऊपर लोगों को इंटरेस्ट और पेनल्टी दिखाएगा। इसलिए हमारी ये सूचना आपको है कि आप कृपया करके म्युनिसिपैलिटी के कोई भी बिल्स आप रेज ना करें। जबकि RBI ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है, EMIs को भरने के लिए मुद्दत में बढ़ोतरी कर दी है, कॉर्पोरेशंस ने की भी जरूरत है कि वो इस प्रकार के टैक्सेस के बिल्स रेज ना करें, वरना ये होगा कि महामारी के बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बिल्स होंगे वो एरियर्स के साथ होंगे और बहुत भारी पेनल्टीज के साथ होंगे। हम लोगों से फिर से एक बार ये गुजारिश करते हैं, विनंती करते हैं, कृपया करके मेहरबानी करके अपने घरों में रहिए। महामारी बहुत बड़ी है और इससे लड़ना आपका हमारा फर्ज बनता है और इससे लड़ना बोले तो आपको अपनी जान की सुरक्षा, अपने परिवार की जान की सुरक्षा आपको हमको सबको मिलकर करना है। धन्यवाद। जय हिंद।